आपको ज्यादातर केसेस में तो पता चल जाएगा, इनकम जितना है उसी के हिसाब से खर्च कर रहे हैं लोग, और ऑलमोस्ट दिख जाएगा। ठीक है, ये मान के चलो कि हमको पता चल रहा है। तो यही वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई, मतलब किसी का इनकम के बेसिस पे खर्चा पता करना और खर्चे के बेसिस पे इनकम पता करना, हम एक्स वाई एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब इन सबको सिंप्लीफाई करने के बाद रिलैक्सेशन में हमको लास्ट क्लास में बताया थे ये सब, इसमें ए का वैल्यू क्या आता था याद है किसी को? ये होता है y बार माइनस bx बार, और ये हो जाएगा a इज इक्वल टू x बार माइनस y बार। तो ये फॉर्मूला याद रखना, जब y x होगा तब ये निकालोगे, जब x और y होगा तो ये दोनों निकालेंगे। उन लोग क्लास क्लास उसी के बीच ए निकालने का तरीका है। अब ए निकालने के लिए आपको दिखता होगा कि बी भी निकालना है, यहाँ यहाँ भी बी का जरूरत है, गणित के वो बना के पाएंगे। तो बी का फॉर्मूला क्या था? एल समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स तो समेशन वाई डिवाइडेड बाय एल समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बी। और ये क्या होगा जब वाई और एक्स की बात करें, तो यहाँ हम लिख भी देते हैं वाई एक्स, वाई ऑन एक्स। अब इसी में बी का फॉर्मूला दूसरे वाले केस में क्या हो जाता है, बाकी सबको सेम रहेगा, ये वाई इस एक्स को बस वाई से रिप्लेस करो। सो एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का। अब इसके बेसिस पे फॉर्मूला में पी निकाल लिया, इस पी को वापस से यहाँ रख दिया, ए में बन जाएगा। अब ये जो सब ए और पी जब मिल जाएगा दोनों, तो इसको वापस से इस इक्वेशन पे रख दो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसको वैल्यू ऑफ ए बोलेंगे, वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, इसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए पूरा टेबल समझ आए, बी का मान निकालने के लिए कम से कम हम 10 क्लास में डिराइव कर लेते हैं। पता नहीं अगर तुम हर क्लास में नहीं आए हो तो हम क्या करते हैं, घर चले जाते हो कभी, होली में घर चले जाते हो कभी, दिवाली में चले जाते हो। ये ऑलमोस्ट मैंने बताया इन क्लास, वैसे आपको जरूरत नहीं है कि कैसे आया है वो करने की, यूसी का करना है, डेराइवेशन के लिए फॉर एग्जाम में भी नहीं आएगा और उसका जरूरत भी नहीं है। कैलकुलेशन जब करने बोला जाएगा ना तो ये करना, और एक बार होगा तो आप डेराइवेशन जो किया हुआ है क्लास में नोट कर लेना तो फिर दूसरा कुछ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या क्या है पता चलता है, x इंटू y निकालना पड़ेगा, समेशन x निकालना पड़ेगा, समेशन y निकालना पड़ेगा, समेशन x स्क्वायर निकालना पड़ेगा, समेशन x का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उसी तरह y वाला था उन दोनों करके देखो जरा बनाओ। मैं इसको इसको जोड़ना नहीं, इसको जोड़ना नहीं, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। यस, मोबाइल ये कर सकते हैं, मोबाइल निकालिए, बंद किए। ठीक है, है रसवा कैलकुलेटर नहीं लिए अभी तक? नहीं, कैलकुलेटर नहीं लो, एग्जाम में कैलकुलेटर चलेगा, मोबाइल चलेगा क्या? कॉपी किताब दे पाएंगे अभी के लिए, मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए लेकिन उसके बाद कैलकुलेटर। ऑनलाइन के बच्चे हैं,
उतना स्पेस लेगी बच्चे को, फिर नेक्स्ट कॉलम बनाना पड़ेगा आपको, कम स्पेस हो। इनकम एक्सपेंडिचर पर क्लिक करें, आपके यहाँ पे सब समझाने के लिए जैसे यहाँ पे अगर उसे साथ देते रहते हैं तो कम है सबका अच्छा लग रहा है, तो ये डेटा बाद में दिक्कत करेगा। इनकम एक्सपेंडिचर पर क्लिक मैं इसको जोड़ दिया। टोटल समेशन है क्या, एक्स वाई है ना, एक्स वाई मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर कर दी हो, एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे इसको, और नहीं किया मैंने इसको जोड़े हैं, जोड़े हैं तो ये फिर गलत हो जाएगा ना नोटेशन। अगर आप इसको जोड़ दिए, जोड़ने दिए हैं, मल्टीप्लाई किए, सो एक्स इंटू वाई लिखेंगे बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग एक्स एंड वाई ना, तो एक्स इंटू वाई होगा। यह डाउट अब x into y की हो, इसका सम निकाल सकते हो यहाँ पे जो, दूसरे में क्या करना है, x का स्क्वायर करना है, मतलब 10 का स्क्वायर 100 होगा, ये करना है। इसी तरह y का स्क्वायर प्लॉट करना है, एक कॉलम में बन जाएगा। और कुछ की जरूरत है, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, सो समेशन x मिल जाएगा, समेशन y मिल जाएगा, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई, ठीक है, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। अब सबका टोटल सम लीजिए, आप लिखना सारे के सम का इस्तेमाल करना है, ये ध्यान रखना। मोबाइल के लिए मैसेज दिया था पढ़ने आने के लिए, कोई अच्छा कोई तो नहीं हामिद रजा, एन का वैल्यू क्या होगा इस क्वेश्चन में, एन का वैल्यू क्या होगा इस क्वेश्चन में, फॉर्मूला में एन भी लिखा हुआ है ना, सो एन का वैल्यू क्या होगा, एन कितना है, तुम तो पूछे नहीं, हम ही पूछ रहे हैं। बाकी सारा समझ में आ गया कैसे करना है, एन कितना है, काउंट करो मैम, अब इससे इस बार कर वही मैम, एक्स इंटू वाई कर लेंगे, एक कॉलम बन जाएगा, ठीक है, वाई का सो
सब वैल्यू तो रख लेंगे, वहां पे लिखा हुआ है वो सब मिल जाए, एन कहाँ से लाएंगे? हाँ तो काउंटिंग करके एन कितना है होगा। तो अब इसमें इतना सोचना क्या था, मतलब जब तक बोला नहीं जाए तब तक दिमाग में ही नहीं करता है। वो तो तुम तब पूछे थे, हो गया 15 मिनट पूछे हुए। हो गया टोटल सम निकालो इसका, सबका टोटल सम निकालो, x का भी y का भी। यस जरूरत है ना वहां समेशन x का। फॉर्मूला देखो, जो जो फॉर्मूला में है सब निकाल रहा है, तब कुछ होगा। क्या आया सुनीता? सिक्सटीन का स्क्वायर कितना लिखियो? 16 का स्क्वायर 3 4 स्क्वायर नहीं है वो, फिर भूल जाती है। ऊपर हेडिंग देखो ना, दैट इज मल्टीपल ना, एक्स इंटू वाई इंटू को स्क्वायर तो नहीं बोलते। स्क्वायर क्या है? 16 का स्क्वायर कितना होगा? 44। 16 का स्क्वायर 44 होगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 12 का है ही, ठीक है ना? यहाँ पे हम 16 का पूछ रहे हैं ना, 16 का कितना स्क्वायर होगा? 256 होता है। 256 हम बस पूछ रहे थे 16 का स्क्वायर कितना होता है, तुम 304 बता देंगे। यहाँ तो यहाँ मल्टीपल है ना, स्क्वायर तो ये होगा स्क्वायर जी, स्क्वायर पूछ रहे। हमें तो बना दोनों का मल्टीपल निकाल लिए, सबका कॉलम का नीचे का सम करो, सबका टोटल सम। समेशन एक्स पता होना चाहिए, समेशन वाई पता होना चाहिए, समेशन एक्स वाई पता होना चाहिए, समेशन एक्स स्क्वायर पता होना चाहिए और समेशन वाई स्क्वायर पता होना चाहिए। जो जो कॉलम बनाए हैं सबको जोड़ के लास्ट में लिखिए, हो गया। अब फॉर्मूला पे रखो बी का, पहले हेडिंग डाल दो वाई ऑन एक्स, तो y on x निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला, हाँ ऊपर लिखा है ना y on x हाँ नहीं y on x सॉल्यूशन y on x का करते हैं। अब ये बनाइए, जो जो लिखा है सब लिख दो तुम, छोड़ो बात दिमाग ज्यादा अपना नहीं लगाना। y on x है तो जो पहले पहले लिखा गया है y on x, y on x का इक्वेशन लिखा हुआ है, दूसरे केस में y on x का ये इक्वेशन लिखूंगा,
फॉर्मूला निकालने में ए का वैल्यू डिटरमाइन करना है, इससे बी का वैल्यू डिटरमाइन करना है, इससे ए और बी जब निकल जाएगा तब आपको सेट करना है। समझ आया? इसीलिए ये सारा का सारा लिखता है। मैं इसको इस सेट लिखना है, उसको सेट नीचे बाद में लिख लेना, जरूरी नहीं है। ये इतना पूरा बना लोगी ना तो यहाँ पे बना लेना एक्स वन वाई वाला, ठीक है? अलग अलग दो पार्ट में बनेगा ये क्या। फॉर्मूला को गौर से देखिए, एकदम दिमाग में हार्ड कॉपी एकदम हार्ड डिस्क में सेव कर लो। जो जो लिख रहा है, जो जो उसको चाहिए सब कुछ वो नोटिफाइड, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वर्ड्स में है जो आपको समझ में नहीं आया, सब कुछ क्लियर लिखा है ना, तो फिर कंफ्यूजन होने का बात ही नहीं आता है। हो गया, फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करो। ये सब समेशन y स्क्वायर लिखा है तो सम y स्क्वायर का सम कितना है वो वैल्यू रखो। x y लिखा है यहां पे, देखना y स्क्वायर का है। हां तो y स्क्वायर ओनली y स्क्वायर नहीं, समेशन y स्क्वायर। बोलो समझ आया? b के साथ कुछ और भी हम लिखेंगे, वो कौन लिखेगा? y x किसका यहाँ पे एक्स वाई कर लो, बी के साथ एक्स वाई लिखो। वाई बार है तो अलग होगा, नहीं वाई बार का मतलब है वाई बार इज इक्वल टू समेशन वाई डिवाइडेड बाय एक्स बार का मतलब समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एल, ठीक है? अब उसको लिखना है, लिख लो, नहीं पता है तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ना। समेशन का मान यही होता है, समेशन का मतलब सबका जोड़, यहाँ जो आया है उसको लिखेंगे समेशन एक्स। समझ आया? तो समेशन का मान कुछ नहीं है, समेशन का मतलब जोड़ना। आंसर सेवेंटी टू आया है यहाँ पे नाइनटी टू। चलो ठीक है, अब देखो जरा वापस है, मैं हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू बता रहे हैं। बी वाई एक्स
इक्वल टू एन, एन का वैल्यू कितना है, सबको जो होता है कितना एम एन समझो, किसको बोला है दिस इज वन टू थ्री फोर हाय सो फाइव नेक्स्ट है समेशन एक्स वाई तो समेशन एक्स वाई करके कॉलम में लिखते हो ना यहाँ पे एक्स वाई लिखते हो एक्स वाई का टोटल सम यहाँ लिखते हो एक्स वाई का क्या है 14 से 16 श्योर है ना करेक्ट है ना तो यहाँ पे समेशन एक्स वाई भी लगा दीजिएगा 1416 इंटू किया है मैम इसका मतलब इंटू ही होता है ठीक है माइनस समेशन एक्स 72 इंटू समेशन वाई 92 डिवाइडेड बाय 5 समेशन एक्स स्क्वायर का टोटल सम कितना है इस स्क्वायर का 1096 समेशन वाई मींस टोटल सम ऑफ वाई समेशन एक्स मींस टोटल सम ऑफ एक्स सबको जोड़ने पे क्या आएगा मैम गुणा किया है तो इतना आया है अकाउंट ठीक है अब इस पूरे को सिंपलीफाई करके जो आ रहा है वो बनाओ पूरा का पूरा सॉल्यूशन बी निकालो वैसे समझ में आ गया डी निकालना यस हामिद क्या नहीं आया समझ में वो एक क्वेश्चन है वो मॉडल है उसी को निकालना है लेकिन उसमें ए और बी का वैल्यू कहाँ से आएगा वो यहाँ से आएगा हाँ और ये कहाँ से आ रहा है इसमें से आ रहा है मैं 72 से ये स्क्वायर करना है तो जितना है उतना निकल जाएगा 72 स्क्वायर कहाँ करना है वो इनटू करना है 72 × 92 है ना सारा वैल्यू तो लिखा हुआ है ऊपर इनटू बोल के रहा हुआ था ना मल्टीप्लाई है यहाँ पे लिखा है अपनी कुछ कहाँ कंफ्यूजन है सारा वैल्यू तो साइन दिया और कुछ क्या लोड करना है मैं उसका निकाल के दिखाएंगे इसको बनाने ओके
मैम अभी यहाँ से कैसे करना है, यहाँ से कैसे मैम यहाँ पे कुछ लिखेंगे इसको यहाँ करके फिर बर्थडे में करके लिखूंगी, जैसे इसका यहाँ है ना यहाँ पे लिख देंगे फिर इसका बर्थडे करके यहाँ चिकन मैम इसका सही है, मेरा गलत तुम्हारा गलत है तो फिर यहाँ पे कैलकुलेशन गलत रहेगा, उसको एक ठीक है करिए अब मैम ज्योति फोन कर रही थी नहीं मुझसे बोल रही थी तुम आओ वो फोन अलाउ क्यों किए सर कैलकुलेशन कर रही कॉल रिसीव करने के लिए नहीं उसको एयरप्लेन मोड में डालो वर्कशॉप थोड़ी चल रहा है कि नेट ऑन करके रखना है फोन ऑन करके रखना है
मैम अब इसको ये कर दी तो इसको क्या करना, घटाओ उसमें से इसको, इसको 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 घटाए, घटा के जो आएगा वो लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा अब ये निकालो, ये निकालो, हाँ ये भी आया है ना, ये निकालो, ये कहाँ से निकाली, लिखा हुआ है कहाँ से निकालेंगे, उसके लिए कोई स्पेशल डेटा थोड़ी आने वाला है, डेटा जो गिवन है वही है ना। यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, फिर से देखो तो ये डिफरेंस नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ ये 480 लिखी हो ना, तो 5 × 1096 तो 480 कैसे आ सकता है, गलत है। 5 × ऊपर वाला स्टेज देखिए ये वाला क्या लिखा है, 5 × 1096 करो क्या आ रहा है, 480 कैसे आ गया, क्या रहा है, 5480, देखो उसको क्लिक करो, 5480 अब घटा 480, फोर डिजिट का मल्टीपल थ्री डिजिट में आ जाएगा, वहाँ 5400 है, यहाँ 5100 है भाई, है ना, 5000 समथिंग तो फिर आएगा ही। मैं अब इसको ये क्या आप इसको काट दें, हाँ डिवाइड करिए, ऐसे तो कटेगा नहीं, टेबल से कट रहा है, 6 मल्टीप्लाई नहीं कटेगा, डिवाइड कर लो, कैलकुलेटर अलाउड ही है, डिवाइड करो 466 डिवाइडेड बाय 296 1 क्या है, 1.574, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई। ठीक है, अब इसके बाद ए निकाल, हाँ कर, हो गया, अब इसके बेसिस पे देखो ए का फॉर्मूला लिखा है, इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार, y बराबर a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स उसके बाद वाला फॉर्मूला देखो, हाँ y बार माइनस बी एक्स और a के बराबर आ रहा है ना, तो लिखो a इज इक्वल टू सेकंड, अब ये इक्वल टू साइन नहीं होगा, दिस इंप्लाइज डाल दो, हाँ अब लिखो y इज इक्वल टू y a प्लस बी एक्स, अच्छा इसको लिखने की जरूरत नहीं, a लिख लो ना, a इज इक्वल टू वाई बार, a इज इक्वल टू वाई बार, a बार कहाँ बोल रहे हैं हम, y बार बोल रहे हैं, y a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, देखो थर्ड इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, तुम लिखो बस छोड़ो, a बराबर क्या लिखा हुआ है, y बार माइनस बी एक्स बार, अब इसमें हम क्या इंग्लिश बोले थे जो समझ में नहीं आ रहा था वहां पे लिखने में, मैं अब इसको यहाँ तो हो गया, b का वैल्यू रखो, a का वैल्यू निकालना है, y बार कहाँ से आएगा, इस फॉर्मूला से आएगा, विद y बार, हाँ y बार इज इक्वल टू सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n, सम ऑफ y 72 डिवाइडेड बाय 5, मैं अब उसको आप ये फॉर्मूला लगा के उसको, इसका मतलब b बन गया, b बन गया, हाँ अब किसको बनाना है, अब a निकालना है इसमें से,
और यहाँ भी इसकी फॉर्मूला लिख लो। हाँ तो वाई बार क्या आएगा देखो ना, वाई बार y bar is equal to sum minus b by x bar है, तो यहाँ लिख सकते हैं sum of y divided by n minus b summation x by n, लिख सकते हैं, लिखा होगा यहाँ पे। अब summation y कितना आया है, 72, sorry summation 92 है, 92 by 5 माइनस बी का वैल्यू क्या आया है, इसको कॉलम्स में, इसको कॉलम बोलते, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ नहीं बोलोगे, ठीक है काउंटिंग करते हैं उसको, एक्स का पांच, ठीक है बोल सकती हूँ 574 इनटू समेशन एक्स क्या है 72 डिवाइडेड बाय 5, सिंपलीफाई कर लो, हो गया एक आंसर यही होगा। कैलकुलेशन करोगी, हाँ मल्टीप्लाई करो इसमें और इसमें, या फिर इसको डिवाइड कर लो फिर मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा डिवाइड, चलो ठीक है लिखो जो भी आ रहा है उसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसको कर दो, मैं इसको डिवाइड कर दूं। कहाँ डिवाइड करना है, इसमें इसमें डिवाइड कर, मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना सुनीता, बेटा आपका, हाँ भाई क्या है, बन गया मैं गुना करने पर इतना है, ये निकाल लो पहले उसको कंप्लीट करो ना, हां तो बी निकल ए पहले ये क्यों किया, मैं देखिए ना उसको बनाने के बाद एक ही क्वेश्चन पूरा बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, ये बी एक्स बार बी एक्स बार, मैं तो बी अभी जस्ट निकाले थे वो क्या था, ये बी आया ना, दिस बी आज इतना आया कितना आ गया, इससे देखे हम मल्टीप्लाई की मुश्किल लग रहा है, इतना तो नहीं आना चाहिए, 72 divided, sorry, 92 divided by 6 क्या रहा है? 9.7 No. Wait. मैं बुक पढ़ने दे रहे हैं। मेरे को पता है तू पढ़ने हैं। मैं भी। This one, 72, 92 में से 5 को divide करो क्या रहा है? इतना है। इतना आ रहा है। ये तो इसको divide करने पे आया था। दोनों same कैसे आएगा? देखिए मैम इतना आ रहा। मैम देखिए ना इतना आ रहा। ठीक है। मैम देखिए इतना आ रहा है, 92 है ये 72 था, तो हम इसको कर रहे हैं, ये तो आ चुका, इसका तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इतना
18.4. So this is 18.4 minus ये term अब multiply करो इन दोनों का. रुक जाएगी 14.4 इनटू 1.574 हो गया. इन दोनों का डिफरेंस निकालो माइनस 18.4 तो माइनस 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5 7 4 5.7 4.5